डॉक्टर साहब, मेरा कैंसर का इलाज ख़त्म हो चुका है, क्यों ना मैं हर 3 महीने एक पेट स्कैन करा लूं ताकि कैंसर मेरा वापस आ रहा है तो ठग से पकड़ में आ जाए। डॉक्टर साहब, मुझे कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद कितनी ऑफन हॉस्पिटल आना होता है, क्यों मुझे हर 3 महीने आना है? डॉक्टर साहब, कब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा कैंसर का जड़ से इलाज हो गया है और मेरे को आपसे फिर से मिलने की ज़रूरत नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मेरी ओपनिंग में कॉमन क्वेश्चन है और कैंसर का फॉलोअप एक चीज़ है जो हर क्वेश्चन कैंसर पेशेंट के माइंड में होता है। जब कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तभी पेशेंट सोचता है कि मेरा ट्रीटमेंट कब खत्म होएगा, मेरा फॉलोअप कब खत्म होएगा। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। जैसे वीडियो की शुरुआत हमने डिस्कस किया, फॉलोअप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन कैंसर पेशेंट माइंड। और कैंसर पेशेंट सोचते का जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तभी पेशेंट सोचता है कि कब ये ख़त्म हो, मेरा झंझट फिनिश हो, मैं क्योर्ड हूँ, और उसके बाद मुझे कब तक फॉलोअप करना पड़ेगा, कैसे फॉलोअप करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो का मेन पर्पज़ ये है कि कैंसर सर्वेलेंस और फॉलोअप से रिलेटेड आपके सारे सवालों को सॉल्व करें और एक एक करके आपके सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जब कैंसर का इलाज ख़त्म हो जाता है तो टिपिकली ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे से कितना फॉलोअप करेंगे या क्या फ्रीक्वेंसी में फॉलोअप करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लो किसी का सर्जरी हुआ है तो टिपिकली सर्जरी के बाद पेशेंट को वीकली या 1-3 वीक्स देखा जाता है सर्जरी रिकवरी के लिए। सिमिलरली यदि पेशेंट की हार्मोन थेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, या टारगेटेड थेरेपी चल रही है, या इम्यूनोथेरेपी चल रही है, अगेन पेशेंट को फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर डॉक्टर के पास आना पड़ता है, मे बी 1-2 वीक्स और 3 वीक्स और 4 वीक्स, जस्ट टू कीप अ गुड फॉलोअप। बट पेशेंट फ्रीक्वेंटली ये पूछते हैं कि जब मेरा ट्रीटमेंट पूरी तरह ख़त्म हो गया उसके बाद मेरा टिपिकल डॉक्टर के पास फॉलोअप क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसका एक एक्चुअली रियल आंसर ये है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। हर कैंसर डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्टेज की कैंसर की डिफरेंट अग्रेसिवनेस होता है, कुछ कैंसर स्लो ग्रोइंग होते हैं, कुछ कैंसर फास्ट ग्रोइंग होते हैं, इसलिए अल्टीमेटली हर पेशेंट की फॉलोअप फ्रीक्वेंसी अलग होती है। टिपिकली जो कैंसर स्लो ग्रोइंग होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, उनमें फॉलोअप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है पर फॉलोअप लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पेशेंट है जिसको लो ग्रेड लिम्फोमा है जो कि स्लो ग्रोइंग ब्लड कैंसर है, टिपिकली उनकी फॉलोअप फ्रीक्वेंसी 3-6 महीने में एक बार होती है पहले 2 साल के लिए, और उसके बाद और भी कम होती है, पर यह फॉलोअप यूजली लाइफ लॉन्ग तक चलता है। ऑन दी अदर हैंड, किसी पेशेंट को यदि हाई ग्रेड लिम्फोमा है जो कि फास्ट ग्रोइंग ब्लड कैंसर होता है, तो टिपिकली इन पेशेंट्स की फॉलोअप फ्रीक्वेंसी 3 मंथली फॉर 2 ईयर्स एंड 6 मंथली फॉर 5 ईयर्स होती है, और ये फॉलोअप यूजली 5 ईयर्स के बाद बंद कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो ट्यूमर फास्ट ग्रोइंग होते हैं टिपिकली उनमें रिकरेंस का रिस्क अर्ली होता है, यानी ज़्यादातर ये कैंसर जल्दी वापस आते हैं, पर लॉन्ग टर्म पर उनका रिकरेंस का रिस्क लो होता है। जबकि जो कैंसर स्लो ग्रोइंग होते हैं उनमें टिपिकली अर्ली रिकरेंस का रिस्क कम होता है, पर इनका रिकरेंस का रिस्क स्प्रेड आउट होता है और उनको सालों तक क्लोजली फॉलोअप करना होता है। तो द एग्जैक्ट फॉलोअप ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन द कैंसर का प्रकार, कैंसर किस स्टेज पे पकड़ा गया है, और कैंसर कितनी फास्ट दौड़ने वाला कैंसर है। बट टिपिकली मेजॉरिटी ऑफ कैंसर में जो फॉलोअप शेड्यूल ज़्यादातर ऑन्कोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं वो होता है पहले 2 साल के लिए हर 3 महीने, अगले 3 साल के लिए हर 6 महीने, और 5 साल के बाद या तो नो फॉलोअप या 1 ईयर या 1-2 ईयर्स फॉलोअप। अगेन कैंसर बाय कैंसर और स्टेज बाय स्टेज डिस्टिंक्शन होते हैं, बट टिपिकली ज़्यादातर कैंसर्स में जो फॉलोअप ड्यूरेशन होती है वो यही होती है, 3 मंथली फॉर 2 ईयर्स, 6 मंथली फॉर 5 ईयर्स, एंड देन 1 ईयर। तो विथ स्मॉल डिफरेंसेस ज़्यादातर कैंसर में इस तरह का फॉलोअप शेड्यूल फॉलो होता है और रिकमेंड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टिपिकली जैसे कैंसर का फॉलोअप चल रहा है तो फॉलोअप कब स्टॉप होता है, यानी कब पेशेंट बोल सकता है कि मेरा हाँ कैंसर पूरी तरह ख़त्म हो गया और वापस आने का चांस ना के बराबर है। तो फ्रेंड्स, कैंसर का जो रिकरेंस का रिस्क होता है वो टिपिकली एक इन्वर्स एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, जिसका मतलब ये होता है कि पहले कुछ सालों में कैंसर रिकरेंस का रिस्क इज मैक्सिमम, उसके बाद के सालों में कैंसर रिकरेंस का रिस्क कम हो जाता है, और उसके बाद के सालों में कैंसर का रिकरेंस ना के बराबर होता है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, टिपिकली मोस्ट हाई ग्रेड कैंसर, यानी ज़्यादातर कैंसर जो रिलेटिवली फास्ट ग्रोइंग है, उनमें कैंसर रिकरेंस का रिस्क मैक्सिमम फर्स्ट 2 ईयर्स में होता है और मॉडरेट रिस्क होता है 5 ईयर्स तक। तो टिपिकली जो पेशेंट ने अपने ट्रीटमेंट के 5 साल पूरे कर लिए हैं और वो ऑफ थेरेपी है, उसको हम क्योर्ड मानते हैं, मानते हैं उसका कैंसर जड़ से इलाज हो गया है, और एक्सेप्ट फॉर वेरी स्लो ग्रोइंग कैंसर जैसे लो ग्रेड लिम्फोमा, हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर या न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, ज़्यादातर कैंसर में यदि पेशेंट ने 5 साल क्रॉस कर लिए है तो उसको हम क्योर्ड यानी जड़ से इलाज वाला केस मानते हैं, और उसका फॉलोअप यूजली 5 ईयर्स के बाद काफ़ी डिस्कलेट या स्टॉप किया जा सकता है। परंतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1-2% पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें 5 ईयर्स के बाद बीमारी लेट वापस आ सकती है, जिसका रिस्क कैंसर टू कैंसर वेरी करता है।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 साल के बाद भी कुछ कैंसर ऐसे हो गए जिसमें डॉक्टर शायद पेशेंट को साल में एक बार या 2 साल में एक बार देखना चाहिए और पेशेंट को फॉलोअप शेड्यूल कंटिन्यू करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हर फॉलोअप पे कैंसर पेशेंट को क्या टेस्ट करने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोअप शेड्यूल रिसर्च और डेटा पे बेस्ड होता है। जो डेकेड से क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडीज की गई है उनसे पता चलता है कि आइडियली फॉलोअप पे क्या शेड्यूल होना चाहिए और क्या टेस्ट होने चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैंसर, कुछ कैंसर में एक तरह के टेस्ट होते हैं, कुछ कैंसर में दूसरे तरह के टेस्ट होते हैं, पर ब्रॉडली जो टेस्ट होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 होता है क्लिनिकल चेकअप। तो कैंसर जब वापस आता है तो कई बार वो कोई ना कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल सपोज किसी को मुंह का कैंसर है और उसको आपने ऑपरेट करके निकाल दिया, और बीमारी जब वापस आती है तो कई बार सेम जगह पे वापस आती है। तो यदि डॉक्टर पेशेंट के टंग में झांक के देखता है तो उधर वो ट्यूमर के ग्रोथ को देख सकता है और उससे उसका रिकरेंस को डायग्नोज कर सकता है। अनदर एग्जांपल कुड बी कि सपोज कोई ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है और उसका ऑपरेशन, हार्मोन थेरेपी सब कुछ हो चुका है, और वो फॉलोअप पे आता है, उसके ब्रेस्ट पे एक नई गांठ डेवलप हो गई है, तो डॉक्टर ब्रेस्ट पे हाथ लगा के उस गांठ को डिटेक्ट कर सकता है और बता सकता है कि पेशेंट को रिकरेंस हो गया है। सिमिलरली एक और एग्जांपल होता है कि सपोज कोई स्टमक कैंसर का पेशेंट है, उसका पूरा इलाज हो चुका है, सर्जरी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी सब कुछ हो चुका है, और पेशेंट फॉलोअप पे है, और 3 महीने पहले पेशेंट का वेट 65 kg था और अब 3 महीने बाद पेशेंट आया उसका वेट 58 kg है, यानी उसे 3 महीने में 7 किलो घटा दिया है। तो ये एक रेड फ्लैग है और सिंपल क्लिनिकल चेकअप से डॉक्टर डायरेक्ट कर सकता है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, भाई 7 किलो 3 महीने में कैसे कम हो गया। और कई बार जब हम स्कैन करते हैं तो देखते हैं कि हाँ बीमारी वापस आ गई होती है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लिनिकल चेकअप, और डॉक्टर यूजली हर पेशेंट की हर विजिट पे एक केयरफुल क्लिनिकल चेकअप करते हैं ड्यूरिंग फॉलोअप। नंबर 2 होता है ब्लड टेस्ट। तो फ्रेंड्स कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ब्लड में वेरियस हॉर्मोन्स या केमिकल छोड़ते हैं जिनको ब्लड से डिटेक्ट कर सकते हो, और इसका मोस्ट क्लासिकल एग्जांपल है प्रोस्टेट कैंसर। तो फ्रेंड्स प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है जो ब्लड में एक PSA नाम का केमिकल छोड़ता है जिसको आप ब्लड से डिटेक्ट कर सकते हो, और प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट को हर विजिट पे ब्लड का PSA लेवल चेक करा के डॉक्टर को दिखाना होता है। और टिपिकली यदि PSA लेवल पेशेंट का फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया है और विजिट बाय विजिट बढ़ रहा है तो ये एक शॉर्ट साइन है कि पेशेंट का कैंसर वापस आ रहा है। तो इसी तरह के अन्य कैंसर में अलग टेस्ट होते हैं जिनको आप चेक करके बता सकते हो कि पेशेंट का कैंसर वापस तो नहीं आ रहा। कॉमन एग्जांपल होते हैं बड़ी आंत के कैंसर में CEA, पैंक्रियास के कैंसर में CA19.9, स्टमक के कैंसर में CA19.9, ओवरी के कैंसर में CA125 इत्यादि। साथ ही एक इंपॉर्टेंट कैंसर है इसको अंडकोश या टेस्टिकुलर कैंसर बोलते हैं, उसमें BHCG, AFP और LDH, ये सारे सिंपल ब्लड टेस्ट है जो कैंसर के रिकरेंस को कैच कर सकते हैं, और इन टेस्ट को करके हम पकड़ सकते हैं कि पेशेंट की बीमारी वापस तो नहीं आई। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्कैन्स। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैंसर को वापस आने को, रिकरेंस को जल्दी पकड़ने के लिए कॉमनली वेरियस स्कैन्स किए जाते हैं जो बॉडी को अंदर से देखते हैं। देखो डॉक्टर का हाथ कितना स्किलफुल हो, डॉक्टर की उंगली कितनी अच्छी हो, डॉक्टर छाती को छू के तो नहीं बता सकता कि छाती के अंदर कैंसर की गांठ है या नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी के अंदर झांकने के लिए कैंसर पेशेंट को फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर स्कैन कराने की जरूरत होती है, और अलग अलग कैंसर में अलग अलग तरह के स्कैन रिकमेंडेड है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम स्टमक या कॉलन कैंसर की बात करें तो टिपिकली इसमें CT स्कैन्स, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी रिकमेंडेड होती है। ब्रेन ट्यूमर में ब्रेन का MRI रिकमेंडेड होता है, ब्रेस्ट कैंसर में मैमोग्राम रिकमेंडेड होता है, एंड सो फोर्थ। सो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ट्यूमर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे अलग अलग तरह के स्कैन किए जाते हैं ताकि कैंसर को रीजनेबली अर्ली स्टेज पे पकड़ के उसको टाइम पे कैच करके उसको ट्रीट किया जा सके। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो पेशेंट बहुत कॉमनली पूछते हैं, वो ये है कि सर मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, मैं हर 2 या 3 महीने पेट स्कैन क्यों नहीं करा लेता, सर मेरा हर बार पेट स्कैन करा लो कुछ भी होगा पेट स्कैन में दिख जाएगा, सो सिंपल। तो एक्चुअली द आंसर इज नॉट सो सिंपल। रीज़न ये है कि हमने जैसे अपने पेट स्कैन के वीडियो में डिस्कस किया है जो कि आप स्क्रीन पर डिस्प्ले लिंक से कनेक्ट करके देख सकते हो, कैंसर में जनरली मेजॉरिटी ऑफ कैंसर में आज के दिन फॉलोअप पे पेट स्कैन नहीं किया जाता, एंड पेट स्कैन इज नॉट रिकमेंडेड एज अ मोडलिटी टू प्रिवेंट कैंसर फ्रॉम कमिंग बैक। तो पेट स्कैन को एज ऑफ टुडे रिकमेंडेड नहीं है कि इस्तेमाल किया जाए कि कैंसर वापस आने के स्टेज को पकड़ा जाए, और इसके मल्टीपल रीजंस हैं जो कि हम क्विकली डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स पेट स्कैन की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि ये एक ओवर सेंसिटिव टेस्ट है और ये स्पेसिफिक नहीं है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसका मतलब क्या है।
पेट स्कैन ओवर सेंसिटिव टेस्ट है, इसका मतलब ये है कि बॉडी में कहीं पे भी कोई भी इन्फेक्शन होगा या कोई भी इन्फ्लेमेशन होगा, या चाहे मैं हाथ पे मुक्का ही मार दूँ, जब पेट स्कैन करूँगा तो इधर लाइट जल जाएगी कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन या रिएक्टिव अपटेक है, कोई भी छोटा सा इन्फेक्शन लंग में होगा तो लंग में डॉट आ जाएगी कि यहाँ पे इधर लाइट जल रही है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि पेट स्कैन में यदि कोई पेशेंट को एक्टिव कैंसर नहीं है और उसको हम रूटीन फॉलोअप पे पेट स्कैन कराते हैं तो बॉडी में कहीं ना कहीं अपटेक की लाइट जलती रहती है, और यदि हम हर लाइट को बायोप्सी करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट बेचारा हर 3 महीने अपनी बायोप्सी ही कराता रहेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि पेशेंट का फॉलोअप पे हम एक रूटीन पेट स्कैन कराते हैं और कहीं पर कहीं ना कहीं कोई लाइट आती है तो यूजली व्हाट विल हैपन इज कि उसको डॉक्टर इग्नोर नहीं कर सकते और उसको बायोप्सी के लिए एडवाइस करेंगे। पर ऐसी जो रूटीन पेट वाली बायोप्सीज है वो 95% बायोप्सीज नेगेटिव ही आती है। तो मेजॉरिटी चांस यही है कि पेशेंट को बिना बात बॉडी के वाइटल ऑर्गन में सुइया घुसेड़ के उनको टेस्ट कराते रहना पड़ेगा, जिससे अल्टीमेटली पेशेंट का आउटकम इम्प्रूव नहीं होने वाला, सर्वाइवल इम्प्रूव नहीं होने वाला और क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्स होने वाली है। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स में रूटीन पेट स्कैन नहीं रिकमेंडेड है, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन। यदि पेशेंट का ट्यूमर का स्टेज बहुत हाई है, पेशेंट का बहुत अग्रेसिव कैंसर है, नॉर्मल सीटी अल्ट्रासाउंड से बीमारी को नहीं पकड़ सकते, या पेशेंट का ऐसा कैंसर है जिसमें अर्ली डिटेक्शन सर्वाइवल को सिग्निफिकेंटली चेंज कर देगी, सिर्फ इन्हीं सिलेक्टेड पेशेंट में पेट स्कैन यूज़ किया जाता है। और 95-99% पेशेंट में फॉलोअप पे पेट नहीं रिकमेंडेड और नहीं किया जाता है। तो फाइनली लास्ट में ये बात करेंगे कि यदि कोई कैंसर पेशेंट है वो अपने कैंसर को वापस आने से प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकता है, उसे हम नॉर्मली ट्रीटमेंट की फिनिश पे क्या हिदायत देते हैं। तो फ्रेंड, जब भी कैंसर पेशेंट का हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, आफ्टर कंग्रेचुलेशंस एंड पार्टी, यूजली हम पेशेंट को 3-4 चीज़ें एडवाइस करते हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, पेशेंट को अपने डॉक्टर की एडवाइस ट्रीटमेंट को केयरफुली फॉलो करना चाहिए। कई बार बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे हार्मोन थेरेपी की टैबलेट है, विटामिन डी की गोली है, या बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें ऐसी हैं जो कैंसर को वापस आने से ड्रामेटिकली रोक सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन पॉजिटिव में जितना फायदा कीमोथेरेपी का है, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट और हार्ड ट्रीटमेंट हो सकती है कुछ पेशेंट के लिए, उतना ही फायदा एक सिंपल ओरल टैबलेट्स को हार्मोन थेरेपी बोलते हैं, जो कि पेशेंट को 5-7 साल खानी पड़ती है, उसका उतना ही एडवांटेज है, इतना कीमो का एडवांटेज है, जबकि वो टफ है और वो सिंपल है। तो कई बार पेशेंट इस चीज़ का इंपॉर्टेंस नहीं समझते कि कोई सिंपल टैबलेट से भी मेरा सर्वाइवल डबल या ट्रिपल हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर ने आपको जो भी दवाइयाँ लिखी है उनको केयरफुली खाए, और यदि आपको कोई डाउट हो कि मैं ये दवाई नहीं खाना चाहता तो अपने डॉक्टर से फ़ोन करके या मैसेज करके पूछो कि भाई मैं दवाई छोड़ने की सोच रहा हूँ, क्या आपकी तरफ से ये ओके है क्या। तो डोंट स्टॉप मेडिसिन विदाउट डिस्कसिंग विद योर डॉक्टर। नंबर 2, विजिलेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखो, डॉक्टर पेशेंट को 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार देख सकता है, पर पेशेंट अपने आप को डेली देख सकता है। तो पेशेंट को केयरफुली अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ पे नज़र रखनी चाहिए और देखना चाहिए उसे कोई नया सिम्टम तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है, हम रिकमेंड करते हैं कि हर महीने पेशेंट केयरफुली अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करे कि कोई नई गांठ तो नहीं आ रही, कोई नई सिम्टम तो नहीं आ रहा। दूसरे पेशेंट, हम पेशेंट को हमेशा ये बोलते हैं अपने वेट पर नज़र रखो। यदि पेशेंट का 5% से ज़्यादा बॉडी वेट लॉस हो रहा है बिना किसी रीज़न के, तो कई बार ये कैंसर के रिकरेंस का साइन होता है। ठीक है, कोई लिम्फोमा या ब्लड कैंसर का पेशेंट है, मान लो उसे कंधे के नीचे नई गांठ आ गई, गर्दन में नई गांठ आ गई, ये सारे रिकरेंस के साइंस है। और पेशेंट को अपनी बॉडी की तरफ अवेयर रहना चाहिए, कोई भी नया सिम्टम आता है, नई प्रॉब्लम आती है, पेशेंट को इमीडिएटली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए सर मेरे को नई प्रॉब्लम है, ताकि कैंसर का रिकरेंस हो तो वो मिस ना हो। नंबर 3, रेगुलर फॉलोअप। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम अपने पेशेंट्स को हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि जब उनका ट्रीटमेंट खत्म हो तो सर्वेलेंस चार्ट अपने पेशेंट से, अपने डॉक्टर से अच्छी तरह समझे कि उनका सर्वेलेंस का प्लान क्या है और किस टाइम पे क्या टेस्ट होने हैं, और केयरफुली बिना मिस्टेक इस शेड्यूल को फॉलो करें, क्योंकि मिस्ड अपॉइंटमेंट्स पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकती है। यदि मैं किसी पेशेंट को पहले साल में हर 2 महीने बुला रहा हूँ तो उसका एक रीज़न है, उसके कैंसर का वापस आने का रिस्क हाई है, और उस पर क्लोज वॉच करूँगा तो टाइम पर उसको पकड़ के उसको क्योर कर सकते हैं। तो पेशेंट को जो फॉलोअप शेड्यूल डॉक्टर ने बोला है उसको केयरफुली फॉलो करना चाहिए और उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए फॉर अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। तो विद दैट फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से यूज़फुल जानकारी मिली हो और कैंसर सर्वेलेंस फॉलोअप के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का मेन पर्पज़ ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हमारी कंट्री के पेशेंट्स को उनकी अपनी भाषा में मिले, ताकि उनका आउटकम वर्ल्ड में बेस्ट हो। तो इस मिशन में मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो में डिस्कस कॉन्सेप्ट के अलावा आपका कोई क्वेश्चन है
तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर आपको जल्द से जल्द मिले। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।